हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में बात करूंगा माय फेयर क्रीम के बारे में। माय फेयर क्रीम के बारे में कई ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो आपकी स्किन के लिए काफी हद तक फायदेमंद होंगी। आप इस क्रीम का यूज करने का सोच रहे हैं, आप इस क्रीम को यूज कर रहे हैं तो आज की वीडियो में बने रहना। आज की वीडियो आपके लिए काफी तक फायदेमंद होने वाली। मैं कई अच्छे पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा जो आपकी स्किन का रिलेटिव बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है गाइस, इस क्रीम को कितनी मात्रा में यूज करना है, इस क्रीम को कब कब यूज करना है, ठीक है, किस स्किन टाइप पे इस क्रीम को यूज करना है, ये स्किन सच में हमारी स्किन को गोरा बनाती है नहीं बनाती, क्या ये स्किन हमारी स्किन का साइड इफेक्ट करती है नहीं करती, इसको किस तरह से यूज किया जाता है जो हमारी स्किन के लिए काफी हद तक फायदेमंद होगा, तो आज के वीडियो में बने रहना, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छे लगते हैं लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। देखो गाइस, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने इस पर पहले से भी एक वीडियो बना रखी है जो कि आपकी स्किन के लिए काफी हद तक हेल्पफुल रही है, मतलब जिन जिन ने इस क्रीम का यूज कराना ना उनके स्किन पर अच्छा खासा रिजल्ट ही बना। देखो गाइस, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, किस तरह से इसको यूज करा होगा मेरे को इतना नहीं पता होगा, लेकिन जिस जिसने यूज करा, जो जो मैंने तरह से बताया वैसे यूज करा, स्किन पर अच्छा खासा रिजल्ट। देखो गाइस, एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये क्रीम होती किस काम की और हमारी स्किन के लिए किस तरह से फायदेमंद करती है। देखो गाइस, हमारी स्किन का पिगमेंटेशन, स्किन का मेलेज्मा, स्किन का कई ऐसे रेसेस होते हैं उसको सुधारने में काफी तक फायदेमंद करता है, मतलब हमारी स्किन को बेहद लाइटनिंग बनाने में काफी तक फायदेमंद करता है। अब आप सोच रहे हो ये क्रीम इतनी लाइटिंग हमारी स्किन को क्यों बनाती है, हमारी स्किन को इतना ग्लो, हमारी स्किन को पिगमेंटेशन हर एक प्रॉब्लम के लिए कैसे काम में आती है। देखो गाइस, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, इसके अंदर कैसे हार्मफुल केमिकल वाले क्रीम यूज किए गए जो हमारे स्किन के लिए फायदेमंद भी है, हमारे स्किन के लिए नुकसानदायक है। इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन यूज किया जो कि 2% में इसमें यूज किया गया। देखो गाइस, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, कौन सी भी क्रीम अगर उसके अंदर हाइड्रोक्विनोन कम मात्रा में यूज किया जाता है, मोमेटासोन और ट्रेटिनोन उनकी मात्रा थोड़ी बहुत, अगर ट्रेटिनोन की ज्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मोमेटासोन और हाइड्रोक्विनोन की अगर मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है तो हमारे स्किन पर कई दिक्कत आ सकती है, मतलब स्किन पर साइड इफेक्ट हो सकता है, ये बात आपको मैं बता देता हूँ। अगर ये 0.1 है या फिर 0.2 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर 2.1 है या 1.1 है तो आपकी हमारे स्किन पर कई ऐसी प्रॉब्लम दिखा सकती है, जैसे हाइड्रोक्विनोन ट्रेटिनोन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो तो हमारी स्किन पर कई ढेर सारी प्रॉब्लम, स्किन रेडनेस हो सकती है, ठीक है। लेकिन इस कई बार ये क्या होता है कि कई बार ये स्किन पे सूट कर जाती है ना तो हमारी स्किन पे अच्छा खासा रिजल्ट दिखाती है, लेकिन गाइस ये सूट करने के बाद भी हमारी स्किन को रेडनेस ही बनाई देगी, आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन हमारी स्किन को रेडनेस बना देती, लेकिन इसको रेडनेस को नहीं होने के कारण हम कई ऐसे सनस्क्रीन के बारे में बताते हैं, जैसे मैंने हर एक वीडियो में बताया अगर कौन सी क्रीम यूज करते हो तो एक नाइट में सोते समय एक सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पहले पॉइंट के बारे में, इसको किस मात्रा में यूज करना चाहिए, ठीक है। देखो गाइस, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, इसकी मात्रा बिल्कुल कम, क्वांटिटी बिल्कुल कम लेनी चाहिए जो आपकी स्किन के लिए काफी हद तक हेल्पफुल होगा, जिससे आपकी स्किन पे ये स्ट्रो जो क्रीम है वो कम जाएगी और आपकी स्किन के लिए फायदेमंद होगा और आपकी स्किन पे इतना साइड इफेक्ट भी नहीं दिखाएगी। दूसरा पॉइंट, इसको कब कब यूज करना है, जब हमारे डॉक्टर सजेस्ट करता है हमारे को कब तभी इस क्रीम का यूज करना, एनो टाइम इस क्रीम का यूज नहीं करना, इसको नाइट में सोते समय यूज करना, आपकी स्किन के लिए काफी हद तक हेल्पफुल रहेगा। बात करते हैं तीसरा पॉइंट, कौन सी स्किन टाइप के लिए यूज करने के लिए फायदेमंद होगा, आप इसको पिंपल्स वाली स्किन के लिए यूज बिल्कुल मत करना, ऑयली स्किन के लिए यूज मत करना, सेंसिटिव स्किन पे यूज मत करना है, ड्राई स्किन पे यूज करना, स्किन रेडनेस साइड इफेक्ट हो रहा है उस पर यूज बिल्कुल भी मत करना, आपकी स्किन नॉर्मल है, पिगमेंटेशन है, झाइया उस पर यूज करना, स्किन ब्लैक है उस पर यूज करना आपकी स्किन लिए हेल्पफुल होगा, आपकी स्किन को वे गोरा बनाएगी, लेकिन सनस्क्रीन का यूज करना आपकी स्किन के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन डॉक्टर सजेस्ट करे उसके बाद इस क्रीम का यूज करना, खुद से इस क्रीम का यूज बिल्कुल भी मत करना, ठीक है गाइस। बात आती है स्किन को गोरा बनाती है नहीं बनाती, तो गाइस एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये एक स्टेरॉइड है, स्किन को बेहद गोरा बनाने के लिए हेल्पफुल होती है, हमारी स्किन को अच्छा खासा भी रिजल्ट देती है आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन गाइस स्किन पर साइड इफेक्ट स्क्रीन पर दिखा देता है, ठीक है गाइस। तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, हाइड्रोक्विनोन जो एक स्किन लाइटनिंग गोरा करने वाला एजेंट है, जो मोमेटासोन है जो एक ऐसा है जो हमारी स्किन का एक्जेम को रोकने में फायदेमंद करता है, ट्रेटिनोन एक विटामिन ए का ग्रुप है जो हमारी स्किन के लालिमा को बिल्कुल खत्म करने में फायदेमंद करता है, डॉक्टर द्वारा कई क्रीम ये सजेस्ट भी की जाती है, लेकिन कई डॉक्टर द्वारा सजेस्ट करता है तभी इस क्रीम का यूज करना चाहिए, कभी भी खुद से हमारी स्किन पर यूज नहीं करना चाहिए, स्किन पर कई ढेरों सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कर दिया, वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब।